अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये जो आपके सामने एक इमारत सी नज़र आ रही है, ये ना तो मस्जिद है, ना ये दरबार है और ना इसके अलावा कोई चीज़ है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है और इसका क्या फ़ायदा है और किसने इसको जो है बनवाया। ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त, ये साफ पानी की एक टैंकी है और मुसलमान मुल्क तुर्की ने ये पाकिस्तानियों के लिए बनवाई है और पाकिस्तान के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर ये बनाई जाती है, मस्जिद के अंदर बनाई जाती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके जो डोनर हैं किसी किस्म का कोई भी एक्सपेंसेस का बर्डन जो है ये स्कूल इंतज़ामियों पर नहीं डालते और ये इसके सामने डोनर्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने ये बनवाई है और तहरीर लिखी हुई है पानी के चश्मा बनवाने वालों के नाम नीचे मदरज़ैल हैं, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो। महरम हाशी मूसा अफिंदी। और इसके अलावा ये नीचे एक और नाम लिखा हुआ है तुर्की लैंग्वेज के अंदर, पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी, सूक यूसु हयाती। और 2021 का ये प्रोजेक्ट है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। और ये वज़ू करने के लिए भी जो है ये देख सकते हैं आप, ये नल इंस्टॉल किया हुआ है, ये इसके बैठने के लिए जगह बनाई गई है और 100 फीट गहरा ये बोर होता है इस टैंकी का। थोड़ा सा और आपको हम दिखाएंगे इसको। और इसके साथ ही अगर टैंकी के अंदर पानी ख़त्म हो जाए तो वाटर के लिए हैंड पंप भी लगाया गया है, ठीक है। ये इस साइड पर भी एक तहरीर लिखी हुई है, उसके डोनर्स के नाम लिखे हुए हैं। और ये हम इसको थोड़ा सा और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत जो है ये टैंकी बनाई गई है पानी के, साफ़ पानी के लिए, वज़ू के लिए, और देखने में ऐसे लगता है जैसे ये किसी मस्जिद का डिज़ाइन है। सादा लोग इसको यही समझते हैं कि ये एक मस्जिद है और बहुत ही सादा लोग जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम कर देखते हैं कि इस मस्जिद का दरवाज़ा किस तरफ है। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो आ? और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और थैंक यू सो मच।